जब बड्डी होती है रोरियान होती है उस समय सब समझती है कि बस ऐसे ही करना है। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त इशारे मधुरता और निर्माणता का गुण धारण करें। सदा स्मृति रहे कि मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। निर्माण का कार्य करने के लिए निर्माणता अर्थात सरलता का गुण नेचुरल रूप में होना चाहिए। जहाँ सरलता है वहाँ मधुरता नम्रता आदि अन्य गुण स्वतः आ जाते हैं। तो सदैव स्मृति स्वरूप में स्थित रहे स्वयं को मास्टर विश्व निर्माता समझ कार्य करो तो माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में और आज है दिन 29 मन मना भव अशरीरी बनो। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं।
ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। क्या हर कोई ठीक है? अच्छे हैं? तो अभी हम क्यों अच्छे नहीं होंगे ना? क्योंकि बाबा हमारे साथ है और सारे खजाने जो बाबा ने हमें दे दिए हैं, जो हमें ठीक रखता है ना? सिर्फ ठीक ही नहीं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ बहुत संतुष्ट और अतींद्रिय सुख में। तो बाबा को सुनते समय जो कनेक्शन है लवफुल और मर्सीफुल में, यानी कि करुणा में और स्नेह में, तो इतनी सारी परिस्थितियां होती है ना हमारे आसपास, लेकिन विश्व में और हमारे हमारे को हर आत्मा प्रति स्नेह है। तो जब आत्माएं दर्द में होती हैं कोई भी कारणवश, तो हमें उन पर करुणा आती है, यानी कि मर्सी आती है। तो बाबा जुड़ा रहे हैं वैराग्य को करुणा से, बाबा ने जोड़ा है। तो आज मैं सोच रही थी कि जब जब मैं मर्सीफुल होती हूँ, यानी कि करुणा मैं होती हूँ, तो सूक्ष्म रीति का जो दुख है वो होता है। हाँ, जब हम देखते हैं कोई चीजों को जो दुनिया में इस समय हो रही है, विशेष करके जो हमें मासूम लोग होते हैं, हम मासूम बुलाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं करा होता, जैसे कि जो सिविलियंस होते हैं, यानी कि जो तो उन फिर मन में करुणा आती है और फिर अंदर में सूक्ष्म रीति, सिर्फ ये कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि दया या, लेकिन ऐसे दुख आता है। तो जब मैं बाबा के बारे में सोच रही थी, तो बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी देख रहे हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि शिव बाबा क्या सोच रहे होंगे, देखते हुए कि क्या क्या हो रहा है। तो चाहे बाबा ने हमें बताया भी है कि बच्चे, हाँ, ये ड्रामा का अंत है, अंत समय है, तो खून की नदियां बहनी है, लेकिन तो आज हम सुनते हैं ना सब कुछ, हर छोटी चीज के लिए, चाहे वो धर्म की वजह से है, चाहे वो रंग की वजह से है, या कोई भी तरह का भिन्नता जैसे होती है आपस में, तो बहुत बहुत खून बहता है। तो बाबा ने हमें बताया है कि ऐसा होने वाला है, और हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि हर एक का अपना एक रूप से कर्म है और संगठित कर्म भी होता है। जब एक कोई देश, जब कोई, या फिर कोई गांव या कोई सिटी, वो सारे एक चीज से जब गुजर रहे होते हैं, और एक देश की वजह से फिर दूसरा देश जो है वो, तो जैसे कि पूरा विश्व ही उसमें फिर आ जाता है। जैसे कि आज कहा गया कि जो वॉर जो है वो किचन में भी आ गई है, जैसे आज कहा गया कि जो युद्ध चल रहा है तो किचन में आ गई, यानी कि अब भोजन की कमी हो गई। तो बाबा ने बताया हुआ है कि एक समय आएगा, अगर हम सही में माने, क्या जो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने कहा कि आपके पास हीरे होंगे, लेकिन आपके भर मुट्ठी भर हीरे होंगे, लेकिन अगर आप मुट्ठी भर गेहूं भी खरीदने जाएं तो नहीं खरीद पाएंगे। तो इतना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ये सब मुरली में है ना, तो फिर लेकिन कहते हैं कि, तो कह रहे, तो शांति की संस्था है, तो बाबा क्यों बात करते हैं इतने दुख दर्द की और इतनी हिंसा की, बाबा क्यों बात करते हैं? तो हम जानते हैं कि दो चीजें तो हुई हैं, कि सिर्फ यही नहीं कि कर्म के तो सिद्धांत हैं ही, तो जैसे यूनिवर्स के जो जो लॉ है वो टूट रहे हैं ना व्यक्तिगत रूप से और पूरे ही विश्व में। तो बाबा, क्या आपको लगता है कि बाबा देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या बाबा को दुख लग रहा है थोड़ा सा भी? नहीं, नो, ना और हाँ करें, जो ना कहते हैं उनके हाथ देखें जो ना कह रहे हैं, बाबा को बिल्कुल भी दुख नहीं है?
और थोड़ा बहुत जो समझते हैं थोड़ा बहुत दुख है और हमारे बारे में क्या, हमारा क्या। तो आज मैं अपने आप को देख रही थी और मैंने और मैं बाबा के बारे में मैंने सुना बाबा से मर्सी और लव के बारे में। और हाँ जरूर से वैराग है क्योंकि हमारे को इस दुनिया से तो कुछ नहीं चाहिए और हमको सिर्फ दाता होना है। ऐसे नहीं कि हम औरों से आश रखते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए था मेरे साथ, मुझे इनसे ऐसा कुछ प्राप्त हुआ चाहिए। जैसे कि सूक्ष्म छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं कि किसी से कुछ ना कुछ मिले तो वो हमेशा दुख लेकर आती हैं। तो कोई ऐसे हैं जो दुख हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं थोड़े बहुत भी, है ना। और अब तो एक देश नहीं है ना, एक देश आती है, कोई भोजन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, और फिर वो भी, और फिर दूसरा न्यूज आती है दूसरे देश की, फिर वो भी न्यूज से चली जाती है, फिर दूसरा देश की पैसे नहीं है, भोजन नहीं है, तो वो फिर दूसरे देश का ऐसे आ जाता है। तो ये जैसे कि पूरे विश्व में हो गया है। और इसलिए ही जो टॉपिक जो हमने चुना है ये साल का वो है करुणा के लिए रूहानी या आध्यात्मिक सशक्ति। तो हमें आत्माओं को देखना है ना, है ना। तो ऐसे नहीं कि शरीर दुख पाता है लेकिन आत्मा दुख लेती है शरीर के द्वारा। हमारे लिए भी जब हम देखते हैं ये सब विकर्मों को देखते हैं तो ऐसे नहीं कि शरीर दुख भोग रहा होता है लेकिन जो मन है जिसको दुख दर्द होता है। लेकिन जब बाबा बात करते हैं आत्माओं के प्रति प्यार और उसके साथ साथ करुणा भी, तो इतना सरल सुनने में आता है ना, सुनने में सरल लगता है लेकिन आप सही में अगर उस पर काम करें और अपने आप को देखें कि जब हम प्रेम पूर्ण होते हैं, लवफुल होते हैं या करुणामय होते हैं तो उससे दुख आ सकता है, थोड़ा दर्द भी आ सकता है। Also, what can I do at that time? उसके साथ साथ कि दुख से तो नहीं कुछ होगा लेकिन मैं उस समय क्या कर सकती हूँ, बाबा क्या कर रहे होंगे, बाबा कैसे कर रहे हैं। हमें वो भी सीखना होगा ना बाबा से, हर शब्द जो बाबा उच्चारते हैं तो हमें पता है कि वो होने वाला है आज या कल। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको लगता है कि अंत आ गया है, क्या होने वाला है, क्योंकि इतना एक दूसरे के प्रति जो है धमकियां दी जा रही है। तो बाबा ने कहा कि उन्होंने इतने सारे बॉम्ब्स बनाए तो रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं एक दिन। तो आज हम देख रहे हैं कि कैसे जो शक्ति है कि क्या जो है हम औजारों के रूप में उनकी वो क्या शक्ति है। तो हमें इस पर भी चिंतन करना है और अगर हमें बाप समान बना है तो ये बहुत बड़ी विशेषता होगी। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा कोई परिस्थितियों में जहां पर ये सारे जो छोटे बच्चे बैठे होते थे सुबह से लेकर दोपहर तक कुछ भी भोजन नहीं खाया होता था क्योंकि उनके माता पिता उनको वापस ले जाना चाहते थे लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहते थे। और जो माता पिता होते थे और वो तो सोसाइटी वाले उनको घुसने नहीं देते थे बिल्डिंग में, और बाबा खड़े होते थे ऐसे छत पर देख रहे होते थे और मुस्कुरा रहे होते थे। मेरे लिए तो मैं कहते कि ओ ये बच्चे कितने प्यासे हैं, क्या हो रहा है, क्या इन बच्चों को हम पानी भेज सकते हैं, बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन बाबा इतने साक्षी दृष्टा, लेकिन कुछ तो उनको दे रहे ना बाबा आत्माओं को। और वही अभ्यास मनसा सेवा जो बाबा बात करते हैं मनसा सेवा की, तो हमारी याद भी और जो पवित्रता की शक्ति है। और अभी हाल ही में ही बाबा ने कहा कि बाबा मदद लेते हैं हमारे पवित्रता की शक्ति के द्वारा, क्योंकि ये विकार हैं जो उनके द्वारा
जो विकारों के द्वारा जो कर्म होते हैं उन्होंने ही ये सारा सब कुछ कर्मों का बंधन बनाया है और दुख भोगना बनाई है। तो सिर्फ दुख भी नहीं है, कहेंगे सजा भी है, पनिशमेंट भी है। तो हमें लगता है कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है ना, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि नहीं। तो मेरा जो स्नेह है और जो मेरे करुणा है, जो बाबा कहता है वो ज्ञान युक्त हो, ज्ञान से आधारित हो, तो हम फिर भी, मुझे लगता है कि मैं तो खास करके मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कहाँ पर लव और मर्सी है और उसके साथ साथ दुख ना हो, लेकिन लेकिन उसके साथ साथ सेवा भी कर पाए। तो हमेशा एक कहावत होती है, या आप सेवा करते हो या दुख भोगते हो। तो हम तो सेवा के लिए हैं। अभी हाल ही में किसी ने कहा कि एक मेरे परिवार के कोई सदस्य 2 साल से हॉस्पिटल में थे, कोविड पेशेंट के साथ कार्य कर रहे थे और वो मन से मानसिक स्थिति से थोड़े थक गए। तो और ये कॉमन होगा ना कोई भी रीति से, ये मुझे लगता है कि आम होगा, जो कुछ भी रीति से आप सेवा कर रहे हैं, कैसे दुख नहीं लिया जाए लेकिन फिर भी करुणामय हो, दूसरों को मदद करने के लिए उनके साथ सहयोग देते रहे। मैं सुन रही थी न्यूज को कि बहुत बड़ी आग लग गई कहीं कोई एक टाउन में, और बीके सेंटर जो है वो बहुत पास में था, तो सारी जो बहनें थी वो, उन्होंने जल्दी से सोचा कि, तो वो सारे वहां गए और वो उनको मदद करना चाहते थे, तो वो पानी चाहिए था, भोजन चाहिए था, तो वो सब बांट रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि भारत में अब बीके उसको इतना जाने जाता है रेस्क्यू टीम के लिए कि वो बचाते हैं। वो कहते हैं ये तो 2 साल के कोविड में सिर्फ इस संस्था ने, मैंने बहुत सारे देखा कि हरे रामा हरे कृष्णा तो वो भी भोजन लेके आते थे, बहुत सारी संस्थाएं ऐसे करते थे, वो सेवा करने की कोशिश करते थे, लेकिन बीकेस जो है वो इतना मदद कर रहे थे क्योंकि इतने सारे हजारों सेंटर्स थे हर जगह, उनके अच्छे सब जगह बाबा के बच्चे हैं और इकट्ठे होकर तो उनको जैसे चीजें भी मिलती थी मदद करने के लिए, फिर वो भोजन बना के फिर वो बांटते थे कुछ, जैसे कहें कि ग्रेन भी। तो हमारा जो सेवा है, हमारा जीवन है, हमारा सेवा के लिए जो भी क्षमता से, लेकिन दुख नहीं लेना क्योंकि वो फिर मेरा अपना व्यक्तिगत भोगना हो जाती है। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ही आवश्यक सब्जेक्ट है ये, लेकिन आसान होना चाहिए ना, लेकिन कई बारी ये आसान होता है लेकिन कई बारी हम देखते हैं थोड़ा बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है। मुश्किल तो नहीं कहेंगे लेकिन हमें थोड़ा सा और कार्य करना है अपने ऊपर। So listening to Baba, तो बाबा को सुनते हुए और फिर अभ्यास करना बाप समान के, तो ये सब को सुनने के बाद मैं देखूंगी कि मुझे लगता है कि मुझे इस पर और ज्यादा चिंतन ही नहीं लेकिन अंदर में देखना होगा कि कहाँ से ये जो सिंपथी यानी कि दया और करुणा दुख में बदल जाती है। लेकिन अगर मुझे बाप समान होना है तो जब मैं देखती हूँ ब्रह्मा बाबा को खड़े हुए, जो छत पे खड़े हुए, तो मैं भी हमेशा कहती हूँ कि हम भी देखें उसको साक्षी होकर, कैसे मैं महसूस करती हूँ, क्या मेरे मन में संकल्प आता है, तो हमें वो प्रैक्टिकली करके दिखाना है ना। और हाँ, जरूर से जो ब्रह्मा बाबा प्राप्त कर पाए वो था एक अशरीरी स्थिति, बहुत जल्दी ही वो प्राप्त कर पाए। जब शिव बाबा उनके शरीर में प्रवेश कर रहे थे तो वो उनको अशरीरी तो होना ही था ना उस समय, कि शिव बाबा को वो जगह देने के लिए कि वो इकट्ठे आकर बैठने के लिए कोई भी अंतर के बिना। और शिव बाबा ऐसे हंसते हुए कहते थे मैं तो इनकी जगह का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं रेंट भी देता हूँ, यानी कि मैं उसका
तो ये तो अशरीरी स्थिति होगी ना जरूर से। सो व्हाट अवेयरनेस ही हैड, तो क्या स्मृति उनने रखी बाबा कि वो बाबा के रथ हैं। आई एम, तो बाबा कहते हैं कि मैं तो आज्ञाकारी सेवाधारी हूँ और मैं निमित्त हूँ। तो ये सिर्फ यानी कि अशरीरी स्थिति का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये उससे काफी ज्यादा है। निराकारी बाबा, अव्यक्त बाप दादा, उनके साथ मैं भी निमित्त हूँ, तो मुझे निराकारी और अव्यक्त होना होगा अव्यक्त बाप दादा की तरह। तो और प्रेरणा हो जिसके द्वारा अशरीरी, तभी हम हो सकते हैं। हाँ जरूर से, जब आप अशरीरी होते हैं आप चिंता मुक्त होते हैं, जब आप अशरीरी होते हैं तो आप बहुत शक्ति महसूस करते हैं। बहुत सारी उसकी व्यक्तिगत प्राप्तियां हैं अशरीरी स्थिति की। लेकिन अगर कोई और कोई स्मृति है कि बाप दादा को देखते हुए और मम्मा को देखते हुए, दादियों को देखते हुए, कि उनको क्या चीज ने प्रेरणा करी अशरीरी होने की और उन्होंने क्या उसमें लाभ देखा, बेहद की सेवा में क्या लाभ देखा अशरीरी होने का। क्योंकि एक जो अनुभव है वो अशरीरी स्थिति का, वो जरूर से कि वो होगा साक्षी दृष्टा, और वो सबसे पहले अपने शरीर से शुरू होती है ना। मुझे याद है कि दादी जानकी बहुत बारी हमें मुझे कहते थे कि आज मैं आत्मा के रूप में अपने शरीर को देख रही थी और मैं अपने शरीर को सकाश दे रही थी और मैं अपने शरीर से बात कर रही थी जब उसमें बहुत दर्द था। मैं अपने शरीर से बात करती हूँ, तो वो अशरीरी स्थिति है ना, क्योंकि मैं आत्मा और मैं शरीर से बात कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने रथ का ख्याल रखना होगा ना, मन बना भव होने के लिए भी आपको महसूस करना हो, ठीक महसूस करना होता है ना, अगर वरना आप एकाग्र भी नहीं हो सकते। तो मैं याद कर रही थी आज की कैसे दादी जानकी इतनी बारी उन्होंने कहा कि, और फिर एक जो अशरीरी स्थिति अनुभव है उसका अनुभव है कि उसमें कोई दुख नहीं है, कोई भोगना नहीं है। मैंने दादी गुलजार जी को भी देखा, दादी प्रकाशमणि जी को भी देखा, और हम पूछते रहते कि आपको दर्द हो रहा है, तो वो कहते थे नहीं, हमें दर्द हो रहा है कि उनको क्या हो रहा है, उनको क्या उनके साथ हो रहा है। चाहे जब दादी गुलजार जी भी थे, मैं बॉम्बे गई बहुत बार और मैंने थोड़ी बार उनको देखा हॉस्पिटल में, तो मैं देखती थी उनको जूम पर देखती थी, क्योंकि क्योंकि वो हॉस्पिटल में हम योग होता था जो मदद कर रहे थे दादी की, तो हमें उनकी जो उमंग उत्साह रखना होता था, तो मैं उनके साथ बैठती थी आधा घंटा। तो कोई डॉक्टर्स कोई सिस्टर्स होते थे, लेकिन दादी को स्मृति होती थी, वो कहते थे कि कुछ हुआ और वो शरीर छोड़ने वाले थे। वो तो मास्टर थे, यानी कि वो बता रहे थे, जैसे कि इशारे दे रहे थे कि वो जा रहे हैं, और वो 10:30 तक से पहले नहीं उन्होंने शरीर छोड़ा, क्योंकि जो एक मेन डॉक्टर था वो नहीं आए थे, और वो उनको गुड बाय कहना चाहते थे और उनको धन्यवाद देना चाहते थे साइलेंस में, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे। तो उनको इतनी स्मृति थी कि किसने मेरी सेवा करी है, कौन डॉक्टर है, किसने मेरी मदद करी है। और डॉक्टर ने कहा कि हमें भी महसूस होता था उनका दर्द, लेकिन उनको नहीं होता था दर्द, यानी कि क्या उनके शरीर को कर रहे हैं दर्द से मतलब है, लेकिन वो महसूस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि योग बल द्वारा उन्होंने अपने सारे कर्मों के खाते चुक्त कर लिए थे। अब क्या प्रयोग कर रहे थे, वो थी अशरीरी स्थिति। तो फिर वो पूछते रहते हैं, तो बाबा ने कहा कि वो बताएंगे। जब भी नीलू बहन जाते थे तो कहते थे कि क्या हम जाएं, तो वो जवाब नहीं देते थे। वो इतना स्मृति थी कि क्या हो रहा है यज्ञ में, कि एक बहुत सीनियर वरिष्ठ बहन ने शरीर छोड़ा, दादी उनको दादी जानती है, जैसे दादी कहते थे, क्योंकि
वो इतना जानते थे यज्ञ और सबके बारे में, लेकिन हम देखते थे कि अरे वो किसके द्वारा गुजरे, लेकिन वो किसी चीज के द्वारा नहीं गुजरे थे, वो वहां पे थे स्थिर होके और वो तपस्या का बल देने के लिए और साइलेंस का बल देने के लिए यज्ञ के लिए थी। और 3 साल था ना, और हर बारी जैसे कि हमारे लिए कम रिस्पांस था, लेकिन वो बहुत बहुत उनको स्मृति थी आखिरी मिनट तक। वो जानते थे कि किसके हाथ पकड़ना है, किसने उनकी सेवा करी, किसने, लेकिन स्थिति कौन सी, अशरीरी, जहाँ पर आप दर्द से मुक्त हैं, दुख से मुक्त हैं, जैसे कि आप स्थिर हैं, आपकी जो उपस्थिति है वो बहुत शक्ति रच रही है वायुमंडल में, क्योंकि कोई उद्देश्य था। ऐसे नहीं कि वो संपूर्ण नहीं बने थे, पर वो कोई उद्देश्य के लिए जी रहे थे, तो वो उसके पूरा करना था। तो ये बहुत सूक्ष्म पहलू है, लेकिन क्या मैं कह रही हूँ कि अशरीरी स्थिति चाहिए होगी हम सब के लिए, ताकि जब कोई और भोग रहा है वो, और या आपकी खुद का शरीर भोगना भोग रहा है, लेकिन आप न्यारे हैं, सकाश दे रहे हैं अपने खुद के शरीर को। मैं हर एक को कहती हूँ कि हाँ जरूर से मुझे हर एक की सेवा करनी है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने रथ की भी सेवा करनी है, तभी वो कार्य करेगा ना, ताकि मैं उसको प्रयोग कर सकती हूँ, वरना वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकती। और हमने ये देखा ना, 2 साल हर रोज हमें ये करना है, तो हम इकट्ठे करेंगे तो शरीर को ऐसे कहते हुए, तो आत्मा शरीर के द्वारा करेगी, तो आत्मा को वो शक्ति होनी चाहिए, लेकिन सहयोग भी शरीर का बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शरीर को अभी अपना साथी बनाए, तो उसके लिए सहयोगी हो, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो अशरीरी स्थिति बहुत बहुत जरूरी है, हमें और चाहिए होगी। और हाँ जरूर से एक जो पहलू, जो आवश्यक पहलू है कि आप अपना मन एक उसके साथ केंद्रित कर देते हैं, वो जो एक है जो अशरीरी है, और वही है मन मना भाव स्थिति। हाँ, तो एक फायदा जो है बाबा को हर बार सुनने का, वो ये है कि गहरी समझ और स्पष्टता आती है, और उसके साथ साथ कि अब आगे मुझे क्या करना है ये भी समझ में आता है, तो वो हमारा चिंतन बन जाता है, और उसके साथ साथ अभ्यास भी तो हमें उसका करना होगा ना। तो ऐसे ही हमें बाबा के जैसा होना है, और उसके साथ साथ अशरीरी होना है। ओम शांति। ओम शांति। तो इससे पहले कि हम अपनी अव्यक्त यात्रा शुरू करें, मेरे पास कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है। तो स्वागत है अव्यक्त यात्रा में प्रकाश मणि, ज्ञान के मोती, दादी प्रकाश मणि जी द्वारा। ये कहते हमें गुस्सा नहीं करना है, ये बात नहीं करो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो, मुझे मीठा रहना है। मीठा रहना माना, मीठा रहना माना ऑटोमेटिकली गुस्सा खत्म हो जाना। मैं गुस्सा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ये नहीं करो। फिर आता है कहता है जितना कहेंगे उतना आऊंगा। नहीं, मुझे तो बाप मीठे बाबा के, मीठे मीठे प्यारे प्यारे
कमल फूल समान देवता बनना, तो ऑटोमेटिकली आप अपने धंधों में, परिवारों में, समाज में, देश में मीठे रहेंगे, प्यारे रहेंगे और टेस्टी बन रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी संपत्ति भी सहज ही संपत्ति भी व्यर्थ कहाँ खर्च के बदली सहज बाबा के अलौकिक सेवाओं में सफल होती रहेगी। फिर जो मेरे की ममता है वो खत्म हो जाए। तो ऑटोमेटिक ऐसा अनुभव करेंगे हम तो वो ही बाबा के कल पहले वाले अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले गोप गोपियां है। गोप गोपियां हो, पांडव हो, बहुत अच्छा है। गोप गोपियां अपने को समझो ऑटोमेटिकली अति सुख को अनुभव कर। मशहूरी है और माया के विजयी हो तो महावीर पांडव हो। फिर पांडवों में है ही एक परमात्मा से प्रीत, दूसरा कुछ नहीं। तो फिर दूसरे सभी संस्कार सहज ही परिवर्तन। इसलिए कहा अपना चार्ट भी रखो। और हम तो कहती मेरा दो अक्षर का अनुभव ही ये है, मैं पर्सनल, भले आप समझो कि दादी के ऊपर तो इतने देश विदेश यज्ञ की जिम्मेदारी है, ये आप समझो, मैं नहीं समझ। जिम्मेदार एक, हम कोई जिम्मेदार नहीं, वो जिम्मेदार है और हम उनके आज्ञा से सेवा करते। इसलिए सेवा में आनंद है तो बेफिक्र बाचा है, कोई फिक्रात नहीं। रात हुई सोई, हेलो बाबा गुड नाइट, गुड नाइट। सवेरे उठी, हेलो बाबा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूरी हुई, मुरली सुनी, पड़ी, बाकी किस बात का, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादे के मन में थी। 15 बरस की थी, बाबा से मिली, मंडली ने जिंदगी बदली। दुलारी है हमारी।
ओम शांति। सो ऑफ कोर्स वी हैव ओम शांति। टुडे तो जरूर से हमारे पांडव भाई हैं जो आकर अपना अनुभव बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको हमारे थीम दिखाना चाहेंगे मई के महीने की। बहुत ही सुंदर थीम है, तो आइए। पांडव भाई को सुनते हैं। तो हमारे पास है आज हमारे पांडव भाई कैलाश भाई, जो अपना अनुभव हमारे साथ बांटेंगे, और पल्लव भाई, और मैं दोनों फरिश्तों को बुलाना चाहूंगी। पांडव भाई, आप दोनों का स्वागत है। ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति मोहिनी दीदी, शांति व्यक्ति परिवार, ओम शांति वेरी वेरी अव्यक्ति हैप्पी टू परिवार। बी वापस हियर। आने की सीन्स बहुत आई खुशी हैव हुई, रिसीव्ड और वेरी खुशी फ्यू है कि यह हमारा इंटरव्यू प्रिविलेज एंड है आई कि एम मैं हमारे इंटरव्यूइंग वरिष्ठ कुमार कैलाश। कैलाश भाई को बुलाते हुए आपका सो स्वागत है भाई। वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू आपसे हम सुनना एंड चाहेंगे, टॉपिक एनी टाइम। और ज्यादा समय ना आई वुड वेस्ट लव करते हैं, टू हम सुनना स्टार्ट चाहेंगे अबाउट हाउ योर डे कि वाज आज आपका दिन कैसा था। इक्वल टू द फादर। बाप समान पर ओवर टू यू ब्रदर। थैंक यू पल्लव भाई। ओम शांति, ओम शांति धन्यवाद व्यक्ति पल्लव भाई, ओम शांति मेरे दिव्य परिवार को भी और मोहिनी दीदी को भी। हाँ जरूर से, जब मुझे होमवर्क मिला, एंड टू द फादर। मैंने इमीडिएट थॉट्स दैट कम्स टू माय माइंड तुरंत इज जो मेरे संकल्प आए मेरे मन में वो ये था, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को एंड देखते हुए, और हमारी वरिष्ठ दादियाँ, टीचिंग्स द और फोर जो मुरलीज शिक्षाएं जो मुरली द्वारा मिलती हैं, विशेष करके अव्यक्त मुरली द्वारा, जो एंड क्या बाबा हमें सिखाते स्पिरिचुअल हैं, क्या बाबा की विशेषताएं हैं, गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो जो बाबा वांट्स अस टू जो डू बाबा चाहते हैं कि हम करें अपने जीवन में, व्हाट आर द थिंग्स वो सारी चीजें जो मेरे मन में आती हैं, तो चेक विथ माई सेल्फ ताकि सेल्फ मैं एंड अपने आप से चेक कर करेक्ट सकूं और एंड तुलना अंडरस्टैंड कर सकूं कि मैं दैट कहाँ आई पर एम सो हूँ फार और अवे कितना फ्रॉम मैं सिचुएशन दैट प्रीसेड उस माय लाइफ परिस्थिति से हूँ या एंड उस स्थिति से मैं कितना दूर हूँ। इट वाज ए क्वाइट तो ये बहुत ही एक्साइटिंग मॉर्निंग टू मी अनुभव एंड वाली सुबह थी अमृत वेला से ही, व्हेन आई थॉट ऑफ इक्वल टू जब फादर मैंने फादर सोचा बाप समान। फुल तो स्पिरिचुअल पूरा जो बाबा कहानी थी फादर ब्रह्मा बाबा कैरेक्टर की, फ्रॉम द यूनिवर्स यज्ञ की शुरू से बाबा यज्ञ का, बाबा वो वाज सर कैसे बाबा डॉक्टर बाबा वाज बात करते थे, कैसे बाबा स्पिरिचुअल कर्मयोग करते थे, कैसे बाबा लेटर्स चिट्ठियां ऑल द लिखते थे, ब्लेसिंग्स दैट ही वो सारे कर्म जो बाबा करते गिवन थे। टू तो मी थ्रू द क्लासेस बाय एनी मैंने स्पिरिचुअल क्लासेस लीडर्स या वरिष्ठ भाई बहनों के दैट क्लासेस से सीखा या सुना, और दादियों की दैट क्लासेस, तो इंस्टेंस वो दैट जैसे हैपेंड सडनली वो ही एंड चित्र मेरी आंखों के एवरीथिंग सामने बिकेम आए, और मैं देख रही थी उन उन एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर लाइफ व्यू जैसे कि बीइंग मैं फेड उनको अभी बाय देख रहा अव्यक्त हूँ, उनको अपने एंड मन आई के कैन पटल रियली पर, रिलेट विद द और फिर बाप मैंने फादर अव्यक्त बाप दादा के साथ डायमंड हॉल में मुझे वो बाबा अनुभव अपना याद रहा कि कैसे बाबा इतने प्यारे हैं, फिर भी इतने न्यारे हैं, तो कैसे वो इतने प्यारे हैं, और लवफुल भी एंड है और लॉफुल भी हैं। तो वो ही जो जो मेरे अंदर वो मुझे उनके वो चित्र चरित्र आए, जो मैंने उस पर ध्यान दिया अपने ऊपर कि मैं उससे कितना दूर हूँ, तो वही मेरे लिए चेकिंग थी जो मैं आज कर रहा था पूरे दिन में। और उसी समय जो जो उसके साथ मैंने जो मेरे को मिले, उससे विधि मिली कि मैं कैसे अपने आप को चेक करूँ, मन मना भाव। तो मन मना भाव के मंत्र द्वारा कितना मैंने वो स्थिति पाई है, मेरे संकल्पों द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा, और मेरे संबंध द्वारा और सेवा द्वारा जो बाबा ने की, और मैं क्या कर रहा हूँ। तो पूरे ही दिन में आत्मा के रूप में, साक्षी दृष्टा के रूप में, इस शरीर में, और सारा कर्म करते हुए, तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। एक जो छोटा अनुभव जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं
भोग स्वीकार कराने जा रहा था भोजन बनाने के बाद, लंच बनाने के बाद। तो जब मैंने सोचा कि मैं 10 मिनट में फिनिश कर लूंगा और मैं अपने जॉब पे चला जाऊंगा, तो अचानक तो मैं भोग स्वीकार करा रहा था और तो 40 मिनट हो गए और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ और मैं 40 मिनट बैठा रहा। तो जो समय जो है ऐसे उड़ गया है। तो बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। और दूसरा अनुभव जो मुझे हुआ कि वो संकल्प जो मैं जिन पर अपना ध्यान दे रहा था पूरे दिन में, तो जैसे कि धीमे हो गए और जैसे कि रिलैक्स्ड हो गए और बहुत शांत हो गए। तो अंदर में मैं अनुभव कर रहा था कि वो मेरी भावना थी कि मुझे पूरे दिन में वही भावना रही। और जो कर्म जो मैं कर रहा था, चाहे भोजन बना रहा था या सफाई कर रहा था, जो भी, बहुत स्लो मोशन में हुआ, ऐसे भाग भाग के या एकदम रश में ऐसे नहीं हो रहा था कि जल्दी जल्दी करना है। तो बहुत ही रिलैक्स रहा, ऐसी स्थिति अनुभव हुई मुझे पूरा दिन ये इस होमवर्क के द्वारा और अपना ध्यान खींचते हुए संकल्पों और कर्मों पर और मेरी अटेंशन। बहुत ही सुंदर भाई। तो आपने जो बाबा ने कहा आज मुरली में, उसके ऑपोजिट किया कि बाबा ने कहा कि जैसे अंत आएगा तो हम देखेंगे कि समय जल्दी जाएगा, लेकिन आप तो बिल्कुल उसको धीमे अनुभव कर रहे थे, आप समय को स्लो बना रहे थे। तो आप सब कुछ अपने तरीके से लेकर और बाबा ने आपको बताया। तो भाई, जैसे कि आप बहुत वरिष्ठ हैं ज्ञान में, आप बाबा के साथ 20 साल से भी ऊपर से हैं, तो आपका आपकी जो पूरी ब्राह्मण जीवन की यात्रा है, तो आपको क्या लगता है कि आपको आपका उमंग उत्साह क्या और हमेशा कैसे आपको बाबा की ओर क्या रखता है, बाबा के यज्ञ के प्रति क्या आपको उस स्थिति में क्या बनाए रखता है? तो कैलाश भाई कह रहे हैं कि जब मैं ज्ञान में आया, जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षण हुआ कि मुझे वो मिले जो जिनको मैं ढूंढ रहा था। हो सकता है मेरे ये जीवन में या पुराने जीवन में मेरे वो संस्कार थे कि मैं किसी ऊंचे या परमात्मा को ढूंढना या भगवान को ढूंढना कि कौन है जो परम है। तो जब मैं मुरली पढ़ी और जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि बाबा कि कौन मैं हूँ और जो संबंध जो मेरा बना बाबा के साथ और जो बाबा के लिए स्नेह है, वो है जो है सबसे आधार है, जो मुझे मदद करता है ब्राह्मण जीवन में, जो मुझे आगे बढ़ाता है। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि बाबा मेरे साथ नहीं है। वो जैसे कि एक मिक्स फीलिंग है, जैसे भी मुझे बाबा चाहिए होते थे तो मैं बाबा के साथ बात करता था और उनके साथ साथ मुझे रिस्पांस भी मिलता था उनके द्वारा। तो ये जैसे कि एक कमिटमेंट है मेरे कि जब मैंने निर्णय लिया कि ये जीवन, इस जीवन में मुझे कुमार जीवन में मैंने निर्णय लिया कि मैंने बाबा को प्रॉमिस किया कि मैं जहाँ पर भी मैं रहूँगा, जहाँ पर भी आप मुझे रखेंगे, जहाँ पर भी मैं जाऊँगा, कि आप पक्का करना कि मैं आपके साथ हूँ और आप भी मेरे साथ हो। तो आप ये पक्का करें कि मैं आपके साथ हूँ। तो अभी तक उन्होंने मुझे रखा है। और तो चाहे वो मेरे संकल्पों को सुनने के बाद भी, चाहे वो मुझे छोड़ भी दे, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। तो ये बहुत ही अच्छी यात्रा रही है अभी तक, दो 20 वर्ष आपने बताया, लेकिन वही चीज मुझे जीवित रखती है। यही बहुत सुंदर। You have kept yourself with Baba, and it is very inspiring for all the young. तो ये बहुत ही प्रेरणादायक है छोटे कुमारों के लिए, जो मेरे लिए और औरों के लिए। तो ये बहुत, आप बहुत अच्छे उदाहरण है कि हमारे लिए। और कुछ है जो आप इसमें कुछ बताना चाहते हैं, कोई और उदाहरण जो आप देना बताना चाहते हैं? अभी तक मेरा अनुभव जो है बाबा के साथ इतना सुंदर रहा कि चाहे 4 से 5 साल मेरे बचपन के ब्राह्मण जीवन के वो जैसे थे जैसे वो मेरे पिता हैं, वो मुझे देख रहे हैं हर समय,
बच्चे के रूप में उन्होंने अपने गाइडिंग मी थ्रू आउट द मेरी उंगली अपने हाथ से पकड़ी है और वो मुझे गाइड कर रहे हैं और फिर मैं बाहर निकला और मुझे ऐसे लगा जैसे कि वो मेरे टीचर बनके उन्होंने मुझे सिखाया शिक्षक बनकर के कैसे जीना है कैसे सोचना है कैसे क्या सब कार्य करने हैं बाह्य दुनिया में और फिर उसके बाद और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो गुरु के रूप में जो मुझे गाइड करते हैं पूरे दिन में और मुझे देखते हैं दूर से जैसे कि कितना बच्चा कर रहा है तो वही अनुभव है जो मुझे रहा और हो रहा है बचपन से ब्राह्मण के जीवन के बचपन से अब तक का बाबा अलग अलग रोल मेरे जीवन में बजा रहे हैं और हाँ ये बहुत ही दिलचस्प है बहुत सुंदर भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव सुनाने के लिए और मुझे लगता है कि तो मैं चाहूंगा कि आप क्या आप कल का होमवर्क पढ़ना चाहेंगे जरूर से तो ये है कल का होमवर्क अशरीरी बने यह रूहानी बाप बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं क्या कहते हैं मन मनाभाव जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज बाप कहते हैं मन मनाभाव यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो अशरीरी बन जाओ यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो देही अभिमानी भाव मन मना भाव का अर्थ यह है ओम शांति मन मना भव बिकम बॉडीलेस मन मना भव अशरीरी बनो यह रूहानी बाप बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं What does he tell क्या you? कहते हैं मन मना भव मन मना भव Just as they say, जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज बाप कहते हैं मन मना भव यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं The father says, बाप कहते हैं बच्चे माँ मेकम याद करो अशरीरे बन जाओ यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं Consider yourself, अपने को आत्मा समझो बाप को याद करो देही अभिमानी भाव मन मना भव का अर्थ यह है मन मना भव अशरीरी बनो
यह रूहानी बाप बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। जैसे वह कहते हैं, अटेंशन प्लीज। बाप कहते हैं, मन मना भव। यह जैसे हरेक अपने ऊपर मेहर करते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे मामे कम याद करो, अशरीरी बन जाओ। यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, दैही अभिमानी भव। मन मना भव का अर्थ यह है। ओम शांति।